क्या बात है, बड़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश की है। पहले अंकल जी के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाइए। और ऐसे ऐसे श्रोता जो पहले तो अपनी भाव भंगिमा से एक रॉब बनाते हैं महफिल में, उसके बाद अपनी फरमाइशों से, बड़ा अच्छा लगता है कि इनका जो सुनने का तरीका है एकदम ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद फरमाइशों का दौर, क्या बात है। आइए बड़ी खूबसूरत। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खोके इश्क कमाया। बहुत सारे ऐसे पुराने गाने हैं जिनको रिमिक्स करके नया नया गाना बनाया जा रहा है, तो कुछ कुछ गाने तो रिमिक्स करने के बाद खूबसूरती बढ़ाते हैं, कुछ बिगाड़ देते हैं। लेकिन इस गाने की जो रिमिक्स हुई है, जो नया बनाया गया है, इसका कुछ लाइनें इसकी बड़ी खूबसूरत है। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मेरे दिल को इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, चांद जमीन पर मैंने उतारा। वो जो आंखों से है, वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचती हूँ, सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या क्या हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या क्या हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भगवान को भी बेवकूफ बना दो, मंदिर में पूजा पाठ करो, खुश हो जाएंगे। और कर्म इतने बुरे बुरे करते हैं और सोचते हैं पूजा करने से, कि संगीत को सिर्फ सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। अरे पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, पत्थर तो इसलिए पूछते हैं लोग, क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता, भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता।